जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कर कमलों से इसकी शुरुआत हुई। लगातार 11 साल तक जन टीवी की पूरी टीम ने जन सरोकार के मुद्दों को गंभीरता से उठाया, अपने पत्रकारिता के धर्म को पूरी ईमानदारी से पूरा किया और यही वजह है कि इन 11 सालों में लगातार इस लोगों का प्यार जन टीवी को मिलता रहा। राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे लोगों के प्यार से यह काफिला बढ़ता गया और अब कई राज्यों में जन टीवी लोगों की पसंद बन चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत कर रहे हैं जन टीवी के एडिटर इन चीफ एसके सुराणा, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। एक बार फिर वो यादें ताजा हो गई जब 2012 में मुख्यमंत्री ने जन टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के अशोक क्लब में पहुंच चुके हैं। एक समारोह का आयोजन इस वक्त किया जा रहा है जयपुर में जन टीवी की 11वीं वर्षगांठ पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंच चुके हैं। तालियां बजाकर जोरदार स्वागत कीजिए अशोक गहलोत सर का। जन टीवी की 11वीं एनिवर्सरी, 11 वर्ष पूर्ण होने पर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सन 2012 में माननीय आदरणीय अशोक गहलोत सर के द्वारा ही, उन्हीं के कर कमलों द्वारा इस चैनल का शुभारंभ किया गया था और वही सच्चाई, निष्पक्षता और सामाजिक जिम्मेदारी की परचम उठाए आज जन टीवी अपने 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे लिए ये बहुत सम्मानीय बात है कि सन 2012 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस चैनल का कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया था। हम बहुत आभारी हैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री साहब का, हम बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं तहे दिल से। और सन 2012 में जब इस चैनल का शुभारंभ हो रहा था, आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब द्वारा ही इस चैनल का शुभारंभ किया गया था, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। 11 सालों का संपूर्ण सफर आज जन टीवी ने पूर्ण किया है। इस सफर में हमें आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, आज भी अपने इस सफर को जन टीवी 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और आज इस दौर में जहां पत्रकारिता पर प्रश्नचिन्ह उठाए जाते हों, जहां मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता हो, वहां सच्चाई की परचम और कर्तव्य निष्ठा की परायणता और अपने उसूलों पर चलकर जन टीवी आज 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब 13 मई 2012 को इन्हीं के कर कमलों द्वारा इस चैनल का शुभारंभ किया गया था। हम पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और इस वादे को, इस प्रण को, इस उम्मीद के साथ कि जन टीवी सदैव अपनी सामाजिक सरोकारिता निभाता रहेगा, यूं ही जन जन की आवाज बनता रहेगा, हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का। 12 वर्षों से हमें उनका प्रेम, स्नेह, सानिध्य, सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से आज जन टीवी अपने 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। झूठ के इस दौर में सच जिंदा रहे, झूठ के इस दौर में सच जिंदा रहे, सर कलम हो जाए पर कलम जिंदा रहे। तो कलम जिंदा रखने की जो ताकत है वो हमें मिली है, हम
अपनी कर्तव्य प्रायणता, सच्चाई, निष्पक्ष खबरें और खबरों के भीतर छुपा हुआ सच, वो दिखाते हैं, जन जन की आवाज बनते हैं। 11 वर्षों से ये सफर अनवरत चल रहा है, निरंतर चल रहा है और निरंतर चलता ही रहे। 13 मई सन 2012 वह दिवस, वह दिन जब जन टीवी ने पदार्पण किया, एमडी सर कॉम्पिकॉम ग्रुप के श्री एस के सुराणा साहब, उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में जन टीवी निरंतर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाता हुआ आगे बढ़ रहा है। और पत्रकारिता, मीडिया, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने का एक जरिया मात्र है। पत्रकारिता का सही मायने, चलिए अब हम हमारे आर्टिस्ट से गुजारिश करते हैं कि एक कोई धुन या कोई एक राग या एक सुर, मैं गुलजार भाई से भी गुजारिश करूंगा कि एक बार मंच पर आएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।